आपका शो इज डूइंग रियली वेल. मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे और सब जगहों पे और चैनल के थ्रू भी इट्स वेरी पॉपुलर. तो सबसे पहले आपको मुबारक हो शो की. बहुत बहुत शुक्रिया. और जहाँ तक मुझे ढूंढने की बात है, हाँ. वो ये कि मैं आई वॉज बिजी शूटिंग आंगन प्ले. आपको पता है वो लाहौर, गुजरांवाला, कराची और फैसलाबाद, तीन चार जगहों पे जहाँ जहाँ पुरानी हवेलियाँ हैं वो वहाँ पे शूट हो रहा है. तकरीबन 10 महीने में वो प्ले ख़त्म हुआ है और वो एक बहुत लंबा काम था उनका और वो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी. उसके साथ साथ और भी काम चलता रहा. आपको कहते हैं कि ड्रामों का शान एहसन खान जैसी आप, जो आपने एक मुझे लुक है, जबरदस्त और बड़े एक्टर से मिलाया. आपका बहुत शुक्रिया फिजा. ही इज एन आइकॉन एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव. थैंक यू. यू टू, यू टू. तो मुझे बताओ कि बचपन में, ठीक है, आप कोई भी हरकत किया करते थे, कोई भी शरारत किया करते थे, तो शामत किसी और की आ जाए चलो बनता है, मगर आपने अगर कोई काम नहीं किया हुआ होता था फिर भी शामत आपकी आती थी, ये क्या कहानी? बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन, क्योंकि मेरा एक जुड़वा भाई है जो कि आइडेंटिकल ट्विन है. बहुत कम लोगों को शायद पता है, बहुत लोगों को मालूम है, यू नो दैट. वो बहुत ज्यादा शरारती था और मैं बिल्कुल शरारती नहीं था. मैं बड़ा एक वो था ना कि अच्छा बच्चा जो हर वक्त किसी को प्लीज करता है. ऐसे अभी मेरा नेचर है कि मैं आई ट्राई टू एक्ट नाइसली. अगर नहीं भी दिल कर रहा तो फिर भी कोशिश होती है कि आप अच्छे रहें तमीज़ के दायरे में. वो शैतान था बहुत. सो शरारते वो करता था और मुझे भुगतना पड़ता था. कौन कौन सी शरारते होती थी जो वो करते थे? अब किसी को छेड़ देना, किसी को तंग कर देना, किसी लड़की को कुछ कह देना और वो एंड ऑफ द डे मलबा जो है वो मेरे पे आता था कि शायद मैंने बोला है. एहसन भाई, फिजा जी का कोई पता नहीं है कि वो शरारतन कह दे के वो कैसे छेड़ते थे. अच्छा चले छेड़ के दिखाओ. हसन साहब, आपकी बात कर रही हूँ. जी जी. आपको ऑडियंस ने बहुत मिस किया. बहुत से मैसेजेस हमारे फेसबुक पे आए हुए थे. तो ये गए हुए थे छुट्टियों पे, थे लंदन थे, और ये आज ही वापस आए. तो वेलकम. इन्हां दी जनानी दा मैनू भी मैसेज आया सी. क्या? मैनू भी उन्हें लिखा सी, वेयर इज हसन भाई. चाचा 2 मिनट नचे ना पागल हो गए. अज दूसरी बारी चाचा नचे है. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੱਚੇ ਅਸੀਂ, ਕੱਜ ਨੱਚੇ. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਨਚਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਚਾਇਆ. ਗੁਰਬਤ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਚੇ ਕੋ ਤੋ ਭੂਖ ਨੇ ਨਚਾਏ ਹੈ. ਚਾਚਾ ਭੂਖਾ ਹੋਤਾ ਨਾ ਪੇਟ ਮੇ ਚੂਹੇ ਨਾਚਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਨਹੀਂ ਹਟਾਤਾ, ਖੁਦ ਨਾਚਨੇ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਫਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਨਚਾਇਆ ਕਰਕੇ ਥਈਆ ਥਈਆ. ਜ਼ਲਬਾਹਾ, ਆਪਕਾ ਬਚਪਨ ਕੈਸੇ ਗੁਜ਼ਰਾ? ਆਪ ਦੇਖੇ ਉਨਕੀ ਤੋ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਾਰਤੇ ਥੀ ਉਨਕੇ ਭਾਈ ਕੀ. आपकी कोई शरारत जो खुद की हो? अभी वैसे मेरा बचपन ही चल रहा है. What? I'm just 20 years old. Really? Yes. ये लगती भी है यार, मान लेते हैं. अगर बचपन की बात की जाए तो मैं शुरू से ही, वो होते हैं ना, बड़ा मेच्योर सा बच्चा होता है जो अपने घर को संभाल के रखता है और अपने भाइयों को देखता है, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी और एक ही बहन थी, तो मैं बड़ा वो बच्चा थी कि सब चीज़ें संभाल संभाल के रखनी है और शरारतें नहीं करनी. मेरी अम्मी मुझे टीवी लगा के बिठा देती थी और मुझे बड़ा क्रेज़ था मूवीज़ का, एनिमेटेड मूवीज़ की पूरी मेरे पास सीरीज पड़ी होती थी. वो बैठ के 2 घंटे आराम से मैंने बैठे रहना वहाँ. जो तुम बच्चे सो उदो तो टीवी मिट्टी के रेडियो से गाने सुनते तब टीवी थे और माशाल्लाह कलर टीवी थे. चंगी गल है, तुम अपने घर च सब तो बड़े हो, मैं अपने घर च सब तो छोटा. ज़ेहनी तौर पे चाचा बाकी छोटा है, बाकी भैन भरा तो 500 साल के हो गए ना, उन्होंने सामने बिल्कुल छोटा. मैं कि फ्राउन की नस्ल चो हाँ जी. मैं कि दी मम्मी की किस्त जी. फ्रोन ने एडा माड़ा नहीं सी होना, गुड़ती चाचे ने दी. लोग कहते सन फ्रोन नाने ते गए है. और फ्राउन ने कहा कि मेरी अगो लड़ी चलेगी तो सिर ते क्राउन होएगा. क्या कह रही थी बचपन में क्या हुआ था? हाँ, मैं बिल्कुल ये बता रही थी कि मैं बहुत मेच्योर बच्चा थी और लोगों को नहीं पता होता कि उन्होंने इन फ्यूचर आके क्या करना है. पर जब मैं मैट्रिक में थी तो मुझे पता था कि मैंने आगे मैथ्स कम्युनिकेशन करना है और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आई वॉन्ट टू कम इन मीडिया. अच्छा, तो बचपन से आपको शौक था होस्टिंग का? बिल्कुल था, और उसको आपको पूरा किया, और उसको करने में GNN का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया मेरी यूनिवर्सिटी से. तो यहाँ पर आके मैंने बहुत सीखा और उस चीज़ को आगे भी कैरी करूँगी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. कितना टाइम हो गया अभी आपको? मुझे अभी 1 ईयर हो गया है. तो मैं आपको बताऊँ, बहुत खूबसूरत है, गोरी गोरी है, मासूम सी है. उस हिसाब से उन्होंने अभी जो ज्वाइन किया है GNN, शी इज़ डूइंग वेल. एहसन, आप बताइए पहली फिल्म के ऑफर कैसे हुई, क्योंकि आपके जो अब्बू जी थे वो आपको बनाना चाहते थे आर्मी मैन, राइट? तो फिर घर में आपको मतलब आसानी से इजाज़त मिल गई या बगावत करनी पड़ी? फिजा, बगावत तो नहीं कहूँगा, बस थोड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि बिकॉज आई वॉज सेलेक्टेड इन द आर्मी, आई अप्लाइड फॉर इट और कुछ और एक दो ऑप्शन भी थी, बट आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर.
और मुझे क्योंकि थोड़ा वो हमेशा से कि काम आप कोई भी करें ज़िंदगी में उसको इन्जॉय एटलीस्ट करें, यानी अगर आपका जॉब और आप आपकी जो आपका काम या आपका पैशन अगर वो एक ही हो कि आप पैसे भी उससे अपना कमा रहे हैं और आप अपने शौक़ भी पूरा करें, तो वो फिर एक बड़ा आइडियल लाइफ हो जाती है आप। ये था कि मुझे हमेशा से एक्टर बनने का था कि एक्ट करना है, क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह थिएटर की जो एक्टिंग थी, जितने प्लेज होते थे सब में पार्टिसिपेट करना और बहुत ज़्यादा फिल्म्स देखना, बहुत ज़्यादा प्लेज देखना, तो हमेशा से म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखना, सारा बहुत शौक था, तो नेचुरली वो एक आर्ट की तरफ। आई यूज़ टू स्केच आल्सो, आई यूज़ टू ड्रॉ। ब्रेक थ्रू कैसे मिला, पहली फिल्म की ऑफर कैसी हुई? बड़ी लंबी कहानी है। ऐसा हुआ कि मेरा एक जर्नलिस्ट दोस्त है, उसने मुझे बोला कि हम एवरनी स्टूडियोज जा रहे हैं, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। शूटिंग ही यूज़ टू राइट फॉर इंग्लिश पेपर, कभी कभी लिखता था। ही टुक मी टू एवरनी स्टूडियोज और मैंने पहली दफ़ा जो शूटिंग अपनी ज़िंदगी में देखी वो नरगिस, आई रिमेंबर नरगिस जो अब थिएटर में बड़ी पॉपुलर हैं, अब तो शायद छोड़ गई काम, उनका शूट चल रहा था और दूसरे सेट पे रीमा का शूट चल रहा था और मैं एज ए बिल्कुल मतलब वो जो नहीं थी ऑडियंस, फैन आप कह लें, तो वहाँ पे जाके उनकी शूटिंग देख रहा था मैं बड़े शौक से, और वो कोई राइट अप कर रहा था, तो मुझे आज भी याद है कि मुझे नरगिस ने यूँ बुलाया, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि शायद ये किसको बुला रही हैं, मतलब एन एक्ट्रेस हु इज़ कॉलिंग मी, मैं एक बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा हुआ एक ऑडियंस की तरह उनको देख रहा हूँ। तो मैंने कहा जी मुझे बुलाया आपने, उन्होंने कहा जी आपको बुलाए, इधर आए। तो मैं जाके बैठ गया उनके पास और वहाँ पे फिल्म के डायरेक्टर्स थे, कुछ और लोग थे, उन्होंने मेरे से बातचीत शुरू की कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं, ऐसे गपशप हुई। आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ यू नो बातचीत की और शूटिंग का तरीका देखा कि पाकिस्तान में कैसे फिल्म्स बन रही हैं। दूसरे सेट पर गया, रीमा की शूटिंग देखी और बाहर जब आया हूँ तो दो तीन लोग वहाँ पर थे जिन्होंने मेरा नंबर मांगा और मैंने उनको नंबर दे दिया इस शौक में कि यार बिल्कुल काम वाम करेंगे, बल्कि मुझसे पूछा दो तीन आप काम करेंगे फिल्म, बस रैंडमली। फिर मैं आप तो जानते ही हैं स्टूडियो के पास एक बाल टाउन में जब भी एक दो दफ़ा शॉपिंग कर रही है तो एक और साहब थे जो डायरेक्टर थे उस ज़माने में, जरार रिजवी साहब मिले और शहजाद रफीक साहब मिले, इन्होंने मुझे कहीं देखा और फिर बुलाया कि इस बच्चे को ऑफिस में बुला के लाएं। जावेद फाजिल साहब थे वहाँ पर, वो उनको भी आप अच्छी तरह जानते हो, शहजाद साहब, जावेद साहब, सैयद नूर साहब, उन्होंने ऑडिशन लिया। एंड आई रिमेंबर नूर जो है बिल्कुल मेरे सामने, शायद नूर भी नई नई आई थी और बहुत से एक्टर्स वहाँ पे देख के आई वॉज मेस्मराइज नेचुरली, और ये जितने भी अभी पॉपुलर एक्टर्स हैं इनको देख देख के तो हम फिल्मों में आए, हमने काम शुरू किया, तो वो सबको देख के ऑडिशन भी दिया। फर्स्ट ऑडिशन के लिए किसने बुलाया आपको? मैडम संगीता और जावेद साहब ने और शहजाद रफीक साहब ने एक साथ, शहजाद साहब ने मुझे फ़ौरन फिल्म में लिया, निकाह एक फिल्म थी उसमें निर्मा थी साथ मेरे, मुझे सैयद नूर साहब ने एक फिल्म में काम दिया और मैडम संगीता ने दो फिल्मों में काम दिया, इकबाल कश्मीरी साहब की घर का बाग एक फिल्म थी वो मिल गई, क्योंकि स्टूडियो में एवेन्यू का एक बहुत छोटा सा वो सिलसिला अगर आप देखें वहाँ पे जाते हैं तो आपको चार पांच डायरेक्टर सारे मिल जाते थे, अब नहीं है, नाउ थिंग्स हैव चेंज, तो वो करते करते बस सिलसिला चलता रहा, बीच में ब्रेक लेता रहा दो दो साल के लिए, आई वॉज इन लंडन, आई वॉज इन कमिंग बैक, लेकिन ये पिछले 7-8-9 सालों से ज़्यादा काम मैंने वापस परमानेंटली वापस आके फिर ज़्यादा काम। वाह, तो एक जर्नी है पूरी।